नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश के इतिहास में कल पहली बार गणतंत्र दिवस पर दो दो परेड होंगी। राजपथ पर होने वाली परेड के बाद किसानों की ट्रैक्टर परेड भी होगी। इस परेड में गड़बड़ी फैलाने की साजिश भी रची जा रही है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं और इसलिए इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर डबल चुनौती दिल्ली पुलिस के सामने है, क्योंकि दो दो परेड हैं और चुनौती दोहरी है। में गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी की तस्वीर अनोखी होगी। इस बार का गणतंत्र दिवस अभूतपूर्व होगा। एक परेड राजपथ पर होगी, दूसरी परेड दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर होगी। राजपथ पर जवान परेड करेंगे, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सीमाएं लगभग सील हो जाती थी, सुरक्षा घेरा कस जाता था और ऐसी किलेबंदी होती थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मगर इस बार तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर 61 दिनों से धरने पर बैठे किसान ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं और उसके लिए बॉर्डर को खोला जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की तिरंगा यात्रा के ठीक पहले सिंघू बॉर्डर पर भी तैयारियां पूरी हैं। जब सुबह किसानों की परेड निकलेगी, सबसे पहले ये जो बैरिकेड है ये हटाए जाएंगे, यहाँ एक लंबे समय से लगे ताले खोले जाएंगे और तब किसानों का स्वागत होगा दिल्ली की सीमा के भीतर। आगे पुलिस की टुकड़ी, पैरामिलिट्री की सिक्योरिटी और पीछे किसान नेता और फिर ट्रैक्टर की पूरी श्रृंखला जो दिल्ली में दस्तक देगी अपनी आवाज सुनाने के लिए। इस गणतंत्र दिवस पर अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए किसान कल ट्रैक्टर परेड करेंगे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरे राज्यों से दिल्ली की तरफ ट्रैक्टरों के आने का सिलसिला जारी है। इस गणतंत्र दिवस पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटी दिल्ली पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह है किसानों के आंदोलन के बहाने गड़बड़ी फैलाने की साजिश जिसे पाकिस्तान रच रहा है। यूँ तो 26 जनवरी को लेकर दिल्ली हमेशा से हाई अलर्ट पर रहती है, लेकिन इस बार जो किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है उसको लेकर जांच एजेंसियों के दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। कल दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि जो किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं उसमें नापाक साजिश भी सामने आ रही है। 308 ट्विटर हैंडल जो पाकिस्तान के हैं उन्हें ब्लॉक किया गया, उन्हें आइडेंटिफाई भी किया गया है। ऐसे में जो राजधानी है वो किले में तब्दील की जा रही है। मेट्रो स्टेशन पर देख पा रहे हैं सुरक्षा में जो जवान है वो तैनात है। उसके अलावा दिल्ली में जो बैरिकेटिंग है महत्वपूर्ण जगहों पर वो बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में हूँ, अगर आप ये देखें तो ये जो इनर सर्किल है यहाँ पर अमूमन यहाँ पर बैरिकेड्स नहीं होती है, लेकिन ये बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान किसान आंदोलन के बहाने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसने 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच 308 ट्विटर हैंडल बनाए। इनके जरिए किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर लोगों को गुमराह किया जाएगा। कई एजेंसियों को इस साजिश की जानकारी मिली है। एनालिसिस में जो फार्मर्स ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं। इस साजिश को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली की सुरक्षा और बढ़ा दी है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया है कि गणतंत्र दिवस की ड्यूटी पर तैनात जवानों को आदेश मिलते ही किसानों की ट्रैक्टर रैली की जगहों की ओर कूच करने के लिए तैयार रहना होगा। ये आदेश अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों पर भी लागू होगा। कुछ उसका फायदा उठा करके कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है
और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे। पुलिस और किसानों के बीच बातचीत के बाद 26 जनवरी को किसान तीन रूट पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। पहले रूट में किसान सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार कर केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और वापस सिंघू बॉर्डर पर लौटेंगे। ये 62 से 63 किलोमीटर का चक्कर होगा। दूसरा रूट टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ और झाड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाएगा। ये 63 किलोमीटर का होगा। तीसरे रूट में गाजीपुर से अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड से केजीटी एक्सप्रेसवे तक जाएंगे किसान। ये रूट करीब 46 किलोमीटर का होगा। किसान रिंग रोड पर अपनी ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते थे, लिहाजा वो इस रूट से खुश नहीं है। ट्रैक्टर रैली को लेकर मंजूरी मिली है, वो मंजूरी से हमें मतलब ऐसा लगता है कि मंजूरी तो ठीक नहीं मिली। जो पहले रिंग रोड पे जो पुराना रिंग रोड है उस पे जाने का था, जो भी वो रिंग रोड हमारे को दिया जाए, हम उस पे रैली करके वापस हम पीसफुली अपने यहाँ कैंप में आ जाएंगे। पुलिस ने रूट तय करने के साथ ही कई शर्तें भी रखी हैं। उन शर्तों पर ट्रैक्टर परेड को मंजूरी दी गई है। ऐसे में किसानों ने भी 26 जनवरी वाले मार्च के लिए नियम तय कर दिए हैं। मसलन एक ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत 5 टोक से ज्यादा नहीं बैठ सकेंगे। परेड में ट्रैक्टर या दूसरी गाड़ी चलेगी लेकिन ट्रॉली नहीं जाएगी। जिन ट्रॉलियों में विशेष झांकी बनी होगी उन्हें ही छूट दी जा सकती है। हर ट्रैक्टर या गाड़ी पर किसान संगठन के झंडे के साथ साथ राष्ट्रीय झंडा भी लगाया जाएगा। किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। अपने साथ किसी भी तरह का हथियार न रखें, लाठी भी नहीं, किसी भी भड़काऊ या नकारात्मक नारे वाले बैनर न लगाएं। परेड की शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से होगी, उनसे पहले कोई ट्रैक्टर या गाड़ी रवाना नहीं होगी। किसानों के साथ में छेड़खानी नहीं, उसके मान सम्मान से मत खेल रहे, नहीं तो ये किसान आ गया दिल्ली के चारों तरफ को और अपना घर बार जमीन जायदाद सब कुछ दांव पर लगा के आ गया। बात कर ले बैठ के, जो उनको बात करनी, जो मसले हैं उनको सुलझा ले, लेकिन उनके मान सम्मान पर ठेस न पहुंचा, मैं ये आगाह कर देना चाहते हैं भारत सरकार को। दिल्ली पुलिस की नज़र जहां संदिग्ध तत्वों पर है, वहीं सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। राजपथ पर गणतंत्र के उत्सव के साथ इस बार किसानों की ट्रैक्टर रैली उसके लिए दोहरी चुनौती बनकर सामने आई है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट सीपी कर रहे हैं, सीधे आप। ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा है और वो उसी प्रकार से लगा रहेगा। नहीं वो तो इसका रूट मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं आपके लिए। नहीं इसको एक बार हम लोग देख के आपको बता देंगे। ये भी बता पाएंगे कि जो रूट बताए गए हैं तीनों बॉर्डर्स के, जहाँ से जहाँ तक भी होगा ट्रैक्टर परेड, वहाँ दोनों ही लेन्स टोटल बंद होगी पब्लिक के लिए, या एक का अरेंजमेंट किया गया है, या कुछ एक जगह सर्विस लेन है वहाँ लोग यूज कर सकेंगे? इसमें एनओसी की कंडीशंस हैं जो कम्युनिकेट की गई हैं और वो उसी प्रकार से निर्धारित होगा। टाइमिंग को लेकर आपके पास आएगी, कितने बजे से कब से वो ऑन रोड आ जाएगा? वो भी एनओसी का ही पार्ट है और उसमें जो है हम लोग के अरेंजमेंट्स, लेकिन हम आज रात से ही अपने लगा के रखेंगे। नहीं एनओसी उनको ऑलरेडी प्रोसेस में है और जो है वो इशू मेरे ख्याल से थोड़ी देर में हो जाएगी उसको। मैम रिपब्लिक डे परेड का और उसका कोई किसी तरीके का टाइम फ्रेम जो आप लोगों ने सेट किया उस पर मान भी गए हैं, लेकिन गाजीपुर से ये खबर मिल रही है कि वो लोग इस चीज को नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि हम 9 बजे शुरू करेंगे 10 बजे। किसानों की ट्रैक्टर परेड जो कल होने वाली है उसके रूट के बारे में दिल्ली पुलिस यहां पर जानकारी दे रही है। अपने सुरक्षा के इंतजाम आज रात से ही उस रूट पर दिल्ली पुलिस कर लेगी। मीनू चौधरी, ज्वाइंट सीपी ने यह जानकारी दी। आप देखते रहिए आज तक।